वो मोहब्बत के चक्कर में ना या तो आलियान को मार देगी या खुद सुसाइड कर लेगी। वाओ, थैंक यू पापा। एनीथिंग फॉर यू बेटा। आपको मेरा बर्थडे याद था? बिल्कुल याद था, आपको क्या लगा मैं भूल गया? अच्छा भाई ये बात है, मैं नहीं कहती थी तुम्हारे पापा तुम्हारा बर्थडे किसी हालत में नहीं भूल सकते। हाँ भाई, ऐसा क्यों सोचा आपने कि मैं आपका बर्थडे भूल गया? इसलिए पापा कि मैं खुद भूल गई थी। लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशियां कैसे भूल सकता हूँ? पापा को हमेशा आपकी फिक्र रहती है, हर वक्त आपका ख्याल रहता है। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं आपको भूल सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। सोमी तुम ना एक दलदल में फंसती चली जा रही हो, खत्म करो यार इस किस्से को। एक काम करो, फिजा को सब बता दो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? फिजा को बता दो, टेम्परामेंट का पता है ना तुम्हें उसके। उसको पता चला ना कि आलियान की दूसरी शादी हुई है और उससे एक बच्चा भी है, वो मोहब्बत के चक्कर में ना या तो आलियान को मार देगी या खुद सुसाइड कर लेगी। जी बातें करती हो, छोड़ो मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। हेलो, कैसी तबीयत है? जी मैं ठीक हूँ, मोना कैसी है? ठीक है। वो तुम्हें ये याद दिलाना था कि आज मोना का बर्थडे है। जी जी मुझे याद है, मैं आऊंगी, आप फिक्र नहीं करें। आना पड़ेगा, मैडम ने जिद पकड़ ली है, जब तक आप नहीं आएंगे वो केक नहीं काटे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मोना को बताएं कि मैं जरूर आऊंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मोना की बर्थडे मिस करूं। थैंक यू सो मच, तुम एक के बाद एक एहसान करते चले जा रही हो मुझे। इसमें एहसान वाली क्या बात है आलियान, ये तो मेरा फर्ज है। जब मैं मोना के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे इतना बुरा फील होता है, माँ को खोने का दर्द। मोना इज टू यंग फॉर ऑल ऑफ दिस। आप फिक्र नहीं करें, मैं पहुंच जाऊंगी, मोना को प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मैं इंतजार करूंगा। ओके थैंक यू, लाफ्टर। मैंने आंटी को फोन किया था, वो बिजी हैं, मीटिंग में है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए उन्हें। नहीं आंटी के आने तक मैं केक नहीं कट करूंगी। तो फिर हम आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे बताएं आप? तो आप उन्हें दोबारा फोन करें ना। अभी आपके सामने फोन किया तो था, मीटिंग में बिजी है, कह रही है फ्री होते ही आ जाएंगी वो। बार बार फोन करूंगा तो अच्छा नहीं लगता ना, डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। ठीक है मत करें फोन, लेकिन आप उनको एक मैसेज तो कर दें। ओके मैसेज कर देते हैं, बताइए क्या मैसेज करूं? आप उन्हें लिखें कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, सारी मीटिंग छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो और जल्दी से आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, सारी मीटिंग्स छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो और जल्दी से आ जाओ। ओके और आप उन्हें लिखें कि अगर तुम नहीं आई तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अगर तुम नहीं आई तो हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लिख दिया। और लास्ट में लिख दें जल्दी से आ जाओ, बस जल्दी से आ जाओ। एंड सेंड। हैप्पी, चलो अब अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलो, फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? कम लेट्स गो। सोमी का फोन। आलियान भाई। मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।